हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे असम यूनिवर्सिटी की जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सो so, असम यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर पीएचडी एडमिशन 2021 या लेटेस्ट एडमिशन नोटिफिकेशन है पीएचडी के लिए सो so, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल सो so, ऑफिशियल वेबसाइट है ए इसी पे आपको करना होगा विजिट एंड यहां पे आपको पता होगा या नहीं भी पता हो सो दो कैंपस हैं दोनों के लिए ही नोटिफिकेशन आया हुआ है इस पर्टिकुलर वेबसाइट की एंड बाकी जो भी वेब पेज इंपॉर्टेंट है उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वेट लेट मी शो सो येस लेटेस्ट इवेंट में सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है ना न्यू ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल सो इस इसपे क्लिक करेंगे देन ओपन होगा नेक्स्ट पोर्टल एंड इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के ऑप्शन मिलते हैं सो इसमें कोर्सेज एंड एडमिशन दिख रहा है सो हम इसी को बाकी भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो उसी स्पेसिफिक सेक्शन को क्लिक करके आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे है सो कोर्सेज एंड एडमिशन पे हम करेंगे क्लिक देन ओपन होगा ये पर्टिकुलर पेज एंड इसमें है सबसे पहले नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पी एडमिशन ट्वेंटी ट्वेंटी तो चलिए इसे क्लिक करते हैं पीडीएफ है तो इसे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं सो येस ये है नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन नोटिस 2021 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन असम यूनिवर्सिटी सिल्चर एंड डीफू कैंपस सो दो कैंपस है सिल्चर मेन है उसके बाद डीफू कैंपस दोनों के लिए ही नोटिफिकेशन आया है अब डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं सो सबसे पहले जो सिल्चर कैंपस है उसकी बात करें सो ओवरऑल थर्टी डिपार्टमेंट्स हैं First of all linguistics then bengali manipuri sanskrit english arabic economics commerce ninth is political science then 10th is history wait uske baad 11th is sociology then 12th mass comm then education physics mathematics then computer science life science and bioinformatics then bi microbiology then biotechnology ecology and environmental science then indian comparative literature then earth science french social work visual arts chemistry statistics business administration लॉ आर्किटेक्ट सॉरी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देन सी एस सी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट एंड उर्दू सो ये थर्टी फाइव डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कैंपस में उसके बाद डीफू कैंपस जिसमें कि टेन डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग हिंदी कॉमर्स फिजिक्स लाइफ साइंस एंड बायोन्फॉर्मेटिक्स दैन एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश असमीज़ जोग्राफ़ी हिस्ट्री एंड सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज तो ये डिपार्टमेंट्स हैं अब अगर इनमें से किसी में भी आप इंटरेस्टेड हों तो आपको क्या करना है वेकेंसी पोजिशन को देखने के लिए आपको इस पर्टिकुलर लाइक जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हों उनकी प्रोफाइल पर विज़िट करना होगा सो फॉर डिटेल्स ऑफ वेकेंसी पोजिशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजट प्रोफाइल ऑफ़ रिस्पेक्टिव अकेडमिक डिपार्टमेंट पब्लिश इन द एडमिशन प्रोस्पेक्ट सो अगर अभी मिलता है तो so अभी हम देख लेंगे एलिजिबिलटी क्राइटेरिया सेम है मास्टर्स डिग्री है विथ फिफ़्टी फाइव परसेंट मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं फ़ाइव परसेंट रिलैक्सीशन है जो भी रिजर्व कैटेगरीज़ है उनके लिए नेक्स्ट वन पॉइंट थ्री है ये जो एम फिल जिन्होंने किया है उनके लिए दैर अगर एम फिल कोर्स वर्क किया है एंड फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपके रहे हैं कोर्स वर्क में तो आप एलिजिबल होंगे आप अप्लाई कर सकते हैं इन पॉइंट्स को भी दोनों को पढ़ लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन है सो एम फिल के लिए भी सेम फाइव परसेंट का रिलैक्सेशन है कोर्स वर्क के मार्क्स में देन कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन तो अगर आप कैटेगरी में ले रहे हैं सो तो आपको वैलिड इनकम सर्टिफिकेट अपना वहाँ पर सबमिट भी ना होगा वन पॉइंट फाइव है असम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनका एम हुआ है वाइवा पेंडिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट बाकी कैंडिडेट्स के, के लिए जिनके पास डिग्री है वो भी एलिजिबल है बट इन पॉइंट्स को एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा देन हाउ टू अपलाईन फीस रुपीज सेवन हंड्रेड फॉर जनरल एंड ओ बी सी स्टूडेंट्स एंड सिक्स हंड्रेड फॉर ओ बी सी एन सी एल ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स एंड फाइव हंड्रेड फॉर एस सी एस डी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स जो कि आपको पे करना है इधर ई चलान के थ्रू और ऑनलाइन अभी आप पे कर सकते हैं सो so, ये पहले पेमेंट से रिलेटेड था उसके बाद ये जो वेब लिंक है जैसे ऑनलाइन करना हो सो तो ये वेब लिंक है आपको आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में हूँ अदरवाइज कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से वो हो जाएगा एंड ये फिफ्थ दिसंबर तक एक्टिव रहेगी सो लास्ट डेट है फिफ्थ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी आप मैक्सिमम दो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं सपोज आप एलिजिबल हैं एक से ज़्यादा कोर्स के लिए तो सिर्फ दो के लिए अप्लाई करेंगे एंड आपको एप्लीकेशन फी सेपरेटली पे करनी होगी नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेड्यूल ऑफ डेट्स सो so, पहले ही जैसा बोला फिफ्थ दिसंबर लास्ट डेट है और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देन 9 दिसंबर को या तक 9 दिसंबर को ही लिस्ट आएगी इलिजिबल कैंडिडेट्स की रेट के लिए यस एंट्रेंस टेस्ट के लिए दैन थर्टीन टू सिक्सटीन दिसंबर तक रेट होगा एंड पी होगा एंड जो रेट होगा वो कैंपस में होगा ये क्लियरली अभी तो मैंशन है ओके okay? बाकी डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो ठीक है सो so, यस yes, ये था पी आई एंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का डेट उसके बाद फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट की कैंडि लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की ट्वेंटी दिसंबर एंड उसके बाद से एंड ये चीज़ें चेंज भी हो सक

यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि हो सकता है अगर फंड ना रहे तो सबको ना मिले ओके okay? तो इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को तो फंड आता है सो so देख लीजिएगा इसे एक बार ओके सो दैट इज़ इट ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी एक बार देख लेते हैं अगर वेकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे देख लेते हैं अदरवाइज़ हम एंड करते हैं वीडियो को सो येस एज सच सीट्स की डिटेल्स तो अभी नहीं मिली अगर मिलती है सो आई विल अपडेट यू बट मीन वेल आप अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हों बट अभी एक बार चेक कर लीजिएगा बिकॉज अगर सीट्स ही नहीं होंगी ज़्यादा सो so कोई मतलब नहीं होगा अप्लाई करने का ओके सो डो चेक इट आउट एंड अप्लाई करने के लिए पोर्टल का लिंक तो मिल जाएगा अदरवाइज यहाँ पे ये यह जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस पर आप क्लिक कर सकते हैं दोनों में से जिसपे भी क्लिक करेंगे उसके बाद ओपन होगा ये पर्टिकुलर पोर्टल जिसमें आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सो तो यहाँ पे एडमिशन नोटिस एंड प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल है हम उसे भी देखते हैं उससे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एप्लीकेंट लॉग इन कॉलेज लॉग इन एंड यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन था सो वेट लेट शो यू सो यस एक्चुअली जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल के थ्रू ओपन करेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिखेगा अदरवाइज आप इसे भी ओपन कर सकते हैं इसमें आपको ज़्यादा इंफॉमेशन दिख रही है सो एप्लीकेंट लॉग पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आपको ऑप्शन ऑब्वियसली लॉग का मिलेगा बट आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलेगा न्यू एप्लीकेंट क्रिएट अ न्यू अकाउंट सो इसके थ्रू आप कर सकते हैं अप्लाई कोई इशू है सो so आपके लिए यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया गया है ई मेल है सो हेल्प डेस्क एट द रेट ए यू एस एग्जामिशन डॉट इन ओके सो ये थी एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉमेशन देन यहाँ नोटिस बोर्ड है नोटिस वही था जो अभी हमने देखा अब हम प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं जैसा कि अभी मेंशन था कि हमें वहाँ पे सीट्स मिलेंगी देखने को तो यस सीट्स बताई गई हैं तो चलिए देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीट्स अवेलेबल हैं किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली सो so, येस yes, ये है प्रोस्पेक्टस असम यूनिवर्सिटी सिलचर सो so, यहाँ पे पहले तो आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिख रहे हैं देन इन्फॉर्मेशन से फिर है यहाँ पे कॉन्टेंट्स सो इसमें तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू या रिलेटेड टू पीएचडी प्रोग्राम यहाँ भी एंड देन बाकी इंफॉर्मेशन भी है बट डिपार्टमेंट जो है अकेडमिक डिपार्टमेंट्स अगर आप हर डिपार्टमेंट को देखेंगे वहाँ पर आपको सीट्स की इन्फॉमेसन देखने को मिलेगी यहाँ पर डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉमेसन भी है कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं सो so, सबसे पहले हम देखते हैं जो भी डिपार्टमेंट पहले हो सो so, देखिए जैसे

देख सकते हैं सीट्स कितनी है वो हम देखते हैं नेक्स्ट है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली इसमें थर्टी प्रपोज इनटेक है पी के लिए और किस एरिया में कितने इनटेक हैं और किस पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर हैं या टीचर के अंडर हैं सो so वो भी आप देख लीजिएगा सो so ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए अप्लाई कर दे रहे नेक्स्ट सेंटर फॉर स्टडीज़ इन इंडियन जो लैंग्वेज मैनोस्क्रिप्टोलॉजी एंड फॉर्क सो इसमें सॉरी पी एच डी के लिए टोटल थ्री है ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो है फर्स्ट uh, वाले में इसमें एंड सेकेंड इस पर्टिकुलर एरिया में है सिर्फ़ एक सीट राइट नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन कंपेरेटिव लिटरेचर जिसमें कि सिक्स इनटेक है उसके बाद है हिंदी जिसमें कि एक भी नहीं है ओके okay? सो so, हिंदी के लिए एंड ये सिल्चर कैंपस की बात हो रही है मेनली ठीक है सो प्रपोज इंटेक जीरो है हिंदी में नेक्स्ट है मणिपुरी जिसमें एक है और मैन हाँ मणिपुरी एक इसमें इंटेक है नेक्स्ट संस्कृत में सिक्स है उसके बाद उर्दू जिसमें कि सिर्फ दो है उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ट्वेल्व प्रपोज इंटेक नेक्स्ट अराबिक में फ़ाइव है उसके बाद है फ्रेंच जिसमें कि फोर है नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सिक्स दैन नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सिक्स अगेन नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिसमें कि एट इनटेक है नेक्स्ट हिस्ट्री में है नाइनटीन उसके बाद है सोशोलॉजी में एट उसके बाद है सोशल वर्क डिपार्टमेंट जिसमें कि टेन सीट्स हैं देन डिपार्टमेंट ऑफ मास कॉम जिसमें कि ट्वेल्व प्रपोज इनटेक है उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट जिसमें कि फाइव है उसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िलासफी जिसमें एक भी नहीं है नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन सेवेंटीन सीट्स हैं उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा सेंटर फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सो इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िज़िक्स जिसमें इलेवन सीट्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ट्वेंटी फाइव प्रपोज इन टेक फॉर पी एच डी एडमिशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नेक्स्ट मैथ्स नाइन इन टेक नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स सेवन

जो ऑब्जेक्टिव क्या ये है ये इन्फॉर्मेशन है देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टोटल लाइन ऑफ इनटेक दैन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फिफ्टीन दैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फाइव एंड उसके बाद है अर्थ साइंस जिसमें की है फोर प्रपोज इंटेक दैन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जिसमें की है फाइव एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जिसमें की सिर्फ दो सीट्स हैं देन यहाँ पर आप बाकी लैब एंड जो बाकी सेंटर्स वगैरह हैं उनकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं उसके बाद है डीफू कैंपस उसके उसके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जो अवेलेबल उनकी भी सीट्स बताई गई हैं सो so, ये है डिफू कैंपस पेज नंबर आई थिंक येस इट इज़ फिफ्टी सो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अगेन सेम है सो so, असमीज में सिक्स इन है देन हिंदी में सिक्स है देन इंग्लिश में है एट इन उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस में सिक्स देन एंथ्रो में है दो उसके बाद जियोग्राफी में है सिक्स एंड देन कॉमर्स में है फाइव इन टेक उसके बाद है फिजिक्स उसमें की है सेवन देन लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में थ्री है उसके बाद हिस्ट्री में अगेन थ्री है देन सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज में है टू उसके बाद यहाँ पे है इंफॉमेसन रिलेटेड टू पी एच डी प्रोग्राम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि ऑलरेडी बता दिया है बट यहाँ पे एम फिल और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है पॉइंट्स हैं एक्सप्लेन किए हुए हैं सो डू चेक इट आउट देन ड्यूरेशन एंड बाकी इन्फॉमेशन भी है सो वॉट अबाउट द कैंडिडेट जो कि नेट क्वालिफाइड है जे आर एफ एक्सेट्रा सो so, अगर ऐसे कोई भी क्वालिफिकेशन है एंड ऑल्सो अगर पीजी डिग्री असम यूनिवर्सिटी से आपकी है सो so उस केस में आपको एग्जिमिशन नहीं मिलेगा टेन परसेंट जो मार्क्स हैं वो एज बोनस आपको मिलेंगे सो so येस yes, और कितना होगा सो टेन परसेंट जो भी आपका पी जी ग्रेड रहा है या परसेंटेज रहा है उतने मार्क्स आपको मिलेंगे ओके एक्स्ट्रा एज बोनस नेक्स्ट एम फिल के लिए सो जिन्होंने एम फिल किया उन्हें भी टेन परसेंट जो भी उनके कोर्स मार्क कोर्स वर्क में जो मार्क्स रहे ग्रेड रहे उसका टेन परसेंट एज बोनस मिलेगा बाद में ये इंक्लूड कर लिया जाएगा और प्रॉपर प्रोसेस क्या है सो एंट्रेंस होगा दैट इज़ रेड जिसमें कि आपको फिफ्टी परसेंट रिसर्च के क्वेश्चन मिलेंगे फिफ्टी परसेंट रेलिवेंट सब्जेक्ट के इसमें क्वालिफिकेशन के लिए दैट इज़ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स का रहता है क्राइटेरिया बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन

टोटल लिखानी है तो इसे प्लीज आप एक बार टोटल कर लीजिएगा देन यहां पे पेमेंट ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है देन सेम कि नॉन जो नेट फेलोशिप है वो इंश्योर नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटी फंड रहेगा तभी देंगे वैसे तो फंड रहता ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बट स्टिल बोला गया है सो हंड्रेड परसेंट श्योरिटी से कोई भी नहीं कह सकता कि मिलेगी अनलेस uh, मिल जाए ओबियसली देन फैसिलिटीज अवेलेबल जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है वो था एंड सॉरी ये स्क्रॉल हो गया सो so, वे yes, तो यहाँ पे बाकी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो भी कंसेशंस हैं बाकी कुछ इफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे गिवन है सो यस गाइस दैट इज़ इट प्रॉपर हमने इंफॉर्मेशन को कवर कर लिया है सो so, कोई इशू है सो डो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड दैट इज इट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल के डीन्स को भी बट पहले आप आई uh, पे हेल्प डेस्क पर कॉन्टैक्ट करिएगा अगर कोई इशू है तो सो दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग